कर रहा है। प्यारे जिलावासी,
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हम दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित इसका श्रेय देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान को जाता है। देश को गौरवशाली गणतंत्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 26 जनवरी का पावन पर्व आज हर दिन में राष्ट्रीय भावना की मशाल को प्रज्वलित कर रहा हूँ। हमारा संविधान राष्ट्र निर्माण का पथ प्रदर्शक है। संविधान का मूल मंत्र मौलिक अधिकारों के साथ साथ न्याय, समाजवाद, समानता एवं बंधुत्व के साथ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के कारण आज भारत समतामूलक गणतंत्र का प्रतीक है। आज हम इस पावन दिवस पर सभी वीर शहीदों और महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर देश की स्वतंत्रता और एकता को अछूने रखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही हम जिले के उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने भोजपुर जिला, बिहार और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की उल्लेखनीय कार्य किया है। सरकार की मुख्य प्राथमिकता सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना तथा युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने हेतु उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान 7 निश्चय योजना का कार्यान्वयन किया गया। इसके तहत युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा उत्पन्न कराई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के सभी सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया गया। हर घर बिजली योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया। हर घर नल का जल योजना के तहत हर घरों में पाइप के माध्यम से नल का जल पहुंचाया जा रहा है। घर तक पक्की गली नालियों योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण टोलों को संपर्क पथ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है तथा शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान योजना अंतर्गत हर घर के लिए सार्वभौमिक रूप से शौचालय की व्यवस्था की गई। साथ ही अवसर पढ़े आगे पढ़े योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया गया। इसके तहत जिले में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BNM स्कूल, ANM स्कूल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 7 निश्चय Part 2 प्रारंभ किया जा रहा है जिसके तहत निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना के तहत युवाओं को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाए। हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत सभी गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी तथा वार्ड स्तर पर नालियों की सफाई कराई जाएगी। साथ ही साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की भी व्यवस्था का प्रावधान है। स्वच्छ शहर विकसित शहर अंतर्गत शहरों में उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल, बेघर एवं भूमिहीन गरीबों को आवासन की उपलब्धता, महत्वपूर्ण नदियों घाटों पर विद्युत संग्रहण तथा निर्माण तथा जल जमाव की समस्या से निजात पाने हेतु स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। सुलभ स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आसपास के गांवों को मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा जाएगा तथा शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। गांव गांव तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके तहत जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों में सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। साथ ही बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने तथा जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा
पिछले वर्ष जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जिले में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस योजना के तहत जिले में सार्वजनिक जल संरचनाओं का अतिक्रमण मुक्त कराया, तालाब पोखर, सार्वजनिक कुआं, चापाकल का जीर्णोद्धार कराना, चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के तहत सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कराया गया। साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया गया। जिले के झाड़ागढ़ विकास के तहत कोयलवर पुल के एक लेन का निर्माण पूर्ण हो गया है और आवागमन भी प्रारंभ है। द्वितीय लेन का निर्माण कार्य भी अगले कुछ समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी तरह कायम नगर वामपाली आरा बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति में है, जो इस वर्ष जून माह तक एक लेन इसकी भी पूर्ण करने की संभावना है। आरा मोहनिया फोर लेन तथा पटना आरा सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कार्य जल्द शुरू होगा। आरा पूर्वी गुमती पर आरा ओवरब्रिज का निर्माण के अंदर पूर्ण कर लिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में कोविड-19 के वैश्विक महामारी के संक्रमण को देखते हुए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क का उपयोग करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। आशा है कि सभी लोगों के सहयोग एवं सजगता से जल्द ही हम लोग इस वैश्विक महामारी के प्रकोप से उभर पाएंगे। साथ ही कोरोना से जंग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी एवं पुलिस बल एवं अन्य सभी विभागों जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोग दिए हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। वर्तमान में कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम चरण का कार्य जिले में चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। आने वाले चरणों में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं नागरिकों को भी वैक्सीन प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जनहित में सभी विभागों द्वारा जनता के कल्याण एवं विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा समाज के कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु जिला प्रशासन सतर्क, कर्मशील एवं कटिबद्ध है। प्यारे जिलावासियों, बिहार को विकसित राज्य बनाने हेतु यह आवश्यक है हम सभी मिलजुल कर आपस में प्रेम, शांति, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारा को बनाए रखें। हम सब मिलकर इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े कि हम देश और समाज के सकारात्मक दिशा दें, जिससे हमारा देश की एकता एवं अखंडता अक्षुण्य रहते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में शांति एवं समृद्धि कायम हो। शुभकामनाओं के साथ जय।